हेलो फ्रेंड, मैं आकांक्षा। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद आकांक्षा। आज मैंने चॉकलेट नट्स बॉल बनाई है। देखिए कितनी बढ़िया चॉकलेट बॉल्स हमारी बनी है, जिसे मैंने घर पर बनाया है। तो चलिए फिर हम बनाते हैं चॉकलेट नट्स बॉल। इसे बनाने के लिए ये मैंने चॉकलेट मोल्ड लिया है। इसके साथ ही मैंने ये डबल बॉयलर में 100 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। चॉकलेट हमारी हल्की थोड़ी ठंडी है। चॉकलेट को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। हम चॉकलेट को हाफ भरेंगे, क्योंकि हम ये जो चॉकलेट बना रहे हैं, हम नट्स वाली चॉकलेट बना रहे हैं। हम बीच में इसके नट्स भरेंगे। सारे बॉल्स को मैं हाफ हाफ भरूँगी और थोड़ा सा स्पेस हम इसमें खाली रखेंगे। देखिए कौन से हमारा कितना ईजिली अच्छे से हमारे फिल हो रहा है। अब देखिए सारे हमने भर लिया है इसमें। अब मैं इसमें ये कुछ कटे हुए नट्स डाल रही हूँ। ये हमारे कटे हुए बादाम और काजू हैं, इनको मैं डालूँगी इसमें। नट्स डालने से चॉकलेट और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप नट्स भी ज़रूर से डालिएगा। अब देखिए हमने सारे में अच्छे से नट्स भर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट फिल करूँगी और इसको पूरा अच्छे से हम ऊपर तक फिल कर देंगे। सभी में मैं धीरे धीरे करके अच्छे से चॉकलेट डालूंगी और सारे मोल्ड्स को हम अच्छे से भर देंगे। अब मैं इसके ऊपर जेम्स लगाऊंगी ताकि हमारे चॉकलेट्स बॉल्स और भी ज़्यादा अच्छी लगे। सभी के ऊपर हम एक एक जेम्स लगा देंगे ताकि और कलरफुल और बढ़िया दिखें। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं हमारी चॉकलेट बॉल्स। अब मैं इनको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और जम जाए। अब 1 घंटे बाद देखिए हमने इसे फ्रिज से निकाला है और ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। देखिए कितनी ईजली ये निकल रही है और कितनी बढ़िया बनी है। तो किसी भी बर्थडे पार्टी में आप ज़रूर से बच्चों के लिए बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये। देखिए हम इसे प्लेट में निकाल ले रहे हैं, इतनी आसानी से ये निकल रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।